हम रोड को जाम करवा देंगे यहीं हरिद्वार में ही। तीन रास्ते जहाँ यहाँ से राजधानी में, हरिद्वार वाला, बिजनौर वाला और आपका ये छुटमलपुर वाला। हम तो ये कह रहे हैं जो मजबूरी में जा रहा उसका गरीब को इतना खून ना चूसो। बाजे आदमी पे तो 1000 रुपये डॉक्टर के दुकान के लिए नहीं होते, ये 10000 मांग लें। इस गरीब की मजाक क्या, मोदी गरीब की सरकार और सरकार अडानी का दोस्त बन रहा, ये काम नहीं चलने का। मोदी जी नाम गरीब का और काम अडानी का नहीं चलेगा। अभी हमारे मुद्दे क्या है, 500 रुपए काउंटर करने का रेट, स्मार्ट मीटर खत्म, 1 रुपया यूनिट बिजली, और अभी तक 200 करोड़ का घोटाला कृषि यंत्रों में, दवाइयों में, इस सरकार ने कुछ नहीं करा। जो लूट रहे हैं इनके दोस्त बन रहे, एक वो क्या नाम उसका, एक अधिकारी जिनने घोटाला करा उसकी तरक्की कर रहे कृषि विभाग में, नाम में उसको भूल रहा, तो ठेका दे दिया तो मैं लूट लेगा। तुम कहीं चले जाओ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, अधिकारी तुम्हें छुट्टो छुट्टो हाजी करेगा, थारा पेट भरेगा और थारे ऊपर घटास्ता चलेगा। भाई यहाँ पहाड़ के भी लोग हो, वे भी बहुत दुखी हो। पहाड़ को कहा था कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दो, नहीं देते तुम। सारे पहाड़ की जनता ने सिमर ली, हमारे करम सिंह ने क्या है, पौड़ी सा दुखी हो। अगर थारे वो पहाड़ी नहीं सिमर ला तो हमें तो भाई उत्तर प्रदेश को भेज दो, थारी भाई नमस्ते। हमारी राणा थरचा या गुंडागर्दी तमाम जगह लूट नहीं चलने की, नहीं चलने की। हमने उस दिन भी कहा सिपियों के दफ्तर के बाहर, तुम हाँ तो मारो लट्टी, ये रूट की हरिद्वार का पता नहीं पड़ेगा जो एक किसान को छेड़ दिया। ये टिकट किसे ना, छोटे मोटे यूनियन नहीं, ये जुम्मू जुम्मू यूनियन नहीं, दोनों नमस्ते करेंगे सर सर सर, ये सर वाले नहीं है, वे जो रुम्मू जुम्मू सर सर सर, ये नहीं सर करने के, ये तमीज से बात करेंगे और तमीज से बात करवाओगे। उन्होंने थोड़ा दिमाग खराब कर दिए। हमने अपने नोटिस दे रखे और गन्ने का रेट, बिजली का बता दिया, चालान का बता दिया। अगर सरकार कहीं पर ठीक, अगर इस प्रदेश में कोई सरकार प्रशासन हो तो जवाब दे कि हमारी बातों का कुछ हल है या नहीं। आपका कोई वार्ता नहीं, गांव में इनका बढ़नापन, जो भी सरकारी आदमी अगर गांव में बढ़ेगा तो हम उसको बंदिश लगाओगे। जब तुम यहां बात नहीं सुनते गांव में क्या लेने जाओ, क्या मतलब तुम्हारा। तो ये मुद्दे हमारे भाई, अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा करके थे सिंचाई शुल्क माफ, जियो आज लो भी नहीं आ, किसान के लिए तो फर्जी घोषणा। ये कैमरे लगा दिए, ऑटोमेटिक लूटने के कैमरे डालो, नहीं तोड़े जाएंगे जनता, इन्हें तोड़ा की इन्हें तोड़ी जाएगी जनता, इन्हें तोड़ा की नहीं। या तो हमारी कैमरे रखो, हमारी आमदनी भी 100 गुणी बढ़ाओ, 2 गुणी भी बढ़ाई, झूठा प्रधानमंत्री बिल्कुल, 2 गुणी नहीं बढ़ाई, सब झूठ। और इन्हें दे दिया लूटने का ठेका। हम जो कानून बताओ, हम कानून आओ बताओ, कानून कहा तुम्हारा कानून, टिकोले की तमाम 50 ट्वेल पट गई, लंडोरी की 100 ट्वेल पट गई, सारे लिपेड़े में भैंस खुल गई, हमारे गांव में झोटा खुल गया, हमारे गांव रास्ते पर हानि नहीं होगी। कानून कहा भाई, कानून है भाई, 10,000 का चलान कटवाने का, 24,000 का कुछ नहीं भाई। पहले कहते थे कांग्रेस की सरकार है रिश्वतखोरी है, मोदी जी आगे रिश्वतखोरी बंद हो गई। जो काम 100 रुपए में हो जाता था वो 2,000 में भी होने को तैयार नहीं है, इतनी रिश्वतखोरी बंद कर दी। चकबंदी, इतने गांव की चकबंदी रुकी पड़ी है, ये जाने को राजी नहीं है भाई। चकबंदी तो तुम जब दफ्तर खोल रखे, किसका लिए खोल रखे,
चकबंदी किसानों की क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जमीन किसानों के पास छोड़नी नहीं, जमीन तो देनी है। अडानी अंबानी को चकबंदी की जरूरत ही क्या है, इसलिए नहीं कर रहे। चकबंदी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। आप जितने किसान आए हैं पूछ के देखो इनसे, इतना बुरा हाल है चकबंदी का। चक्कर मार मार के इन्हें लेटर दे दे के थके लोग जूते घिस गए। ये चकबंदी वालों ने इतनी लूट घसूट कर रखी। और ये जो 10-10 हजार के चलान काट रहे भाई, एकजुट होकर इनका मुकाबला करोगे तो बचोगे, नहीं तो जिसकी पूरे 30 दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद मजदूर 10 हजार रुपए सैलरी लेके घर जाता है, अगर 30 दिन में एक दिन भी चलान कट गया उसका पूरा महीना बर्बाद हो गया, वो परिवार कहां से पालेगा? इन गुंडों के तो सैलरी तो अकाउंट में आ रही, जो ये नकद इकट्ठा करके रात को घर ले जा रहे वो अलग जा रहे। इन्हें तो पता ही नहीं महंगाई हो रही या नहीं हो रही। महंगाई उससे पूछो जो फैक्ट्री में 9 घंटे 10 घंटे काम करके आ रहा और महीने बाद उसे 10 हजार रुपए मिलेंगे और आपने उसका 10 हजार का चलान काट दिया। कई लोग हैं यहाँ पर हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए। यार नहीं होता, हर शीशा चमकदार नहीं होता, हर इंसान रिश्तेदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। राकेश की कह जैसा नेता जल्दी से तैयार नहीं होता। तो अभी क्या बताया, बहुत बात चलेगी, बहुत खुलासे होंगे। मैं आपके आदेश के अनुसार आपको इस पूरे यूनियन की एक रागनी सुनाना। रागनी में सारी यूनियन की कहानी लिखी हुई है। जब किसान पे, जब देश पे कोई आफत आती है तो आज रुड़की बस स्टैंड से थोड़ा पीछे तहसील परिसर के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ किसानों ने रुड़की की सभी सीमाओं को बंद कर हाईवे पर बैठ गए हैं। क्या मुद्दा है, क्या रीजन रहे होंगे जो आज यहाँ पर सड़कों पर बैठे जानते हैं जी सर? क्या मुद्दा है जो आज मुद्दा तो हमारा एक तो प्रीपेड मीटर जो लग रहे हैं वो उसको लेगा मुद्दा है। जैसा प्रीपेड मीटर रात को अगर चल रहा हो, रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो किसान कहाँ से रिचार्ज करेगा? बहुत किसान ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है रिचार्ज की, और एक 10-10 हजार के 20-20 हजार के गरीब लोगों के चलान कट रहे। रुड़की ग्रामीण क्षेत्र, अगर गांव के लोग यहाँ रुड़की आ रहे, बच्चे पढ़ने भी आते हैं, दवाई भी लेने आते हैं, लोग कचहरी में भी आते हैं। मान लो मंगलोर साइड से लोग आ रहे हैं, वो नहर के किनारे खड़े, गाइड जैसे रोकेंगे चलान काट देंगे। अब क्या हो रहा, हम ये कह रहे हैं भाई तुम्हारे से चोरियाँ तो रुक नहीं रही। अभी आप देख रहे होंगे नशे का कितना बढ़ रहा, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे, उस पर तो कोई वो नहीं है। वो नशा कहाँ से आ रहा जब आप इतने चौकन्ने हो, और रात के टाइम ये सब भाग जाएं, रात के टाइम ही चोर निकलेंगे सड़कों पर। हमारी फसलों के भी रेट बढ़ाए जाएं, हमारी फसल का क्या रेट है, 375 रुपये, हम भी कह रहे 500 रुपये रेट हमें दिया जा, और ऐसे ही हमारा गन्ना इधर तुला, ऐसे ही इधर हमारे खाते में पैसे जा। जब ये डिजिटल इंडिया करना चाह रहे, फ़ोन से सारे चीज सारा सिस्टम फ़ोन से चलाना चाह रहे, हम भी कह रहे कि हमें भी फ़ोन से जोड़ दो, हमारा इधर गन्ना तुला मिल में और इधर हमारे फ़ोन में मैसेज आ जा कि हमारे आपके 10 हजार रुपये के गन्ने हुए। तो ऐसे यही चाह रहे हम, और तो कुछ नहीं चाह रहे। ये देखा गया है कि चलान को लेकर आपने बात कही, ये 10-10 हजार के चलान काटे जा रहे हैं, किसके मतलब किसके आदेश पर? ये अगर इनसे बात करी जा तो ये कह रहे हैं कि शासन के लोग, ऊपर से आदेश है, हाई कोर्ट वो शासन ने दिया, उत्तराखंड शासन ने। भाई हम भी तो ये कह रहे हैं अगर शासन ने तुम्हारे लिए आदेश बनाया, हमारे लिए भी आदेश बना रखा, किसान का 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए। हमारे लिए तो कोई आदेश नहीं। हमारे इकबालपुर शुगर मिल पर हमारे खुद के, हमारे भी किसान आमजन किसानों के, बाहर के किसानों के, हरियाणा उत्तर प्रदेश के लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। तो उनका तो कोई नहीं जाए, उनके लिए तो कोई कानून नहीं, हमारे लिए कानून है, हमारे ऊपर ही थोपा जा रहा। तो आज आपने इतनी बड़ी महापंचायत जोगी रुड़की के सभी सीमाओं को बंद कर दिया, कहाँ कहाँ से लोग आज इसमें मौजूद? आज पूरे जनपद से लोग हैं, देहरादून से भी अपने लोग हैं, संगठन के लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकेत एक राष्ट्रीय संगठन है जो 72 देशों में चल रहा है, और आज यहाँ हरिद्वार से भी पूरे जनपद के लोग पहुँचे हैं, देहरादून से पहुँचे हैं, बाकी अन्य प्रदेशों से भी यहाँ लोग पहुँचे हैं। तो ये आपका धरना प्रदर्शन जो भी महापंचायत है ये कब तक चलने वाली है? जब तक शासन प्रशासन के लोग आकर बात नहीं करने के, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अगर हम पहला आए थे सीओ के यहाँ आए थे, हम तहसील में आए थे बात रखने के लिए, उन्होंने हमें तानाशाही दिखाई, उन्होंने सोचा 10-20-50 लोग हैं। उस दिन एक छोटी सी कॉल थी, आज हमने कुछ लोगों को सूचना दी, आज आक्रोश था, क्योंकि हर आदमी रुड़की से जुड़ा हुआ, रुड़की एक सेंटर है हरिद्वार जिले का,
सभी को यहाँ काम है, यहाँ अच्छे डॉक्टर भी है, यहाँ कचहरी भी है, कोर्ट भी है, यहाँ सभी को काम पड़ते हैं, सब बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे जब वो यहाँ रुड़की के अंदर उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाने का, तो लोग फिर तो आक्रोश में इकट्ठा होकर आएंगे। आपका कहना यह है जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती है महापंचायत ऐसे ही जारी बिल्कुल जारी रहेगी, आप रोड जाम कर बिल्कुल जारी रहेगा। हमने 13 महीने दिल्ली में जो रोड जाम करके रखा है तो फिर भी रुड़की है भाई। हमने पहली बात तो यह किसान मजदूर आ रहे ये परेशान मन दुखिया, बच्चे इनके भूखे हैं क्योंकि ये चलान काट लेते हैं, ऐसे ऐसे कानून लेकर आ रहे। हमने कोई सीमा जाम नहीं की, हमने तहसील में धरना था, नोटिस दे रखा था, ये व्यवस्था करते हैं महापंचायत का, इन्होंने यहाँ रोका, हाथापाई हुई तो कहाँ जगह नहीं है, कहाँ करेंगे महापंचायत बताओ, कहाँ करेंगे, तहसील में जाएंगे तहसील में गड़बड़ होगा। ये स्थान देते हमें भाई महापंचायत आप यहाँ करो, नोटिस का जवाब देते भाई यहाँ कर लो, यहाँ जगह है और कहाँ होगी महापंचायत। हमने कोई सीमा सील नहीं करी, सीमा सील प्रशासन ने करवाई है। तो जो आज आपकी महापंचायत है इसके मुद्दे क्या क्या है? मुद्दे इसका मेन तो है भाई स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं उसमें पहले पैसा गिरेगा प्रीपेड होगा वो, ऐसे ही हम ये चाह रहे मजदूरी, जैसे फैक्ट्री में मजदूर नौकरी लेता तो एक महीना रोक कर देते हैं, उनका पैसा एक महीना एडवांस मिल जा, जैसे एडवांस हम पैसा देंगे, किसान का फसल आंख लीजा उसका पैसा उसे एडवांस में मिल जाएगा भाई, इतने की तेरी फसल उतरेगी मिल में गन्ना जाओ जाएगा उसका एडवांस मिल जा, एडवांस ही हम प्रीपेड मीटर चला लेंगे। जब मिल से पैसा नहीं आता मजदूर उसमें छुलाई करता है, मजदूर की मजदूर किसान दे नहीं पाता क्योंकि मिल से नहीं आता, तो वो कैसे मीटर लगा लगा उसमें एडवांस पैसे कैसे गेर कर चला लगा, वो प्रशासन या सरकार की क्या नीति है क्या सोच के बनाया हमें तो समझा दो कैसे कर लगा वो। रही दूसरा चालान कटने की बात, एक उसका बच्चा बीमार है, उसका माँ बीमार है, पापा बीमार है, वो रुड़की आता है तो रुड़की आके क्या होता है बेचारा मोटरसाइकिल मांग के बुला जल्दी में भाई उसको मजदूरी करनी, चालान काट दिया वो इतना हैवी चालान होता है 10,000 रुपये उसकी तनख्वाह होती है, 10,000 का चालान ये कर देते हैं, वो बेचारा डॉक्टर के आवेदन दिखा पाता फिर वो छोटे मोटे डॉक्टर दिखावे और एक महीना वो कैसे काटता होगा, कभी सोचा कभी इन्होंने अनुमान लगा उस चीज़ का, उस मजदूर के घर में कैसे कैसे रोटी बनती होगी जो एक महीने की तनख्वाह इन पर होली, और हम कह रहे 100 गुना देंगे, 100 गुना चलान बढ़ा देंगे हम, 100 गुना मजदूर की मजदूरी हो जा, 100 गुना किसान की फसल के रेट हो जा, 100 गुना चलान काट लो तैयार है देने। तो आज आपके साथ इस महापंचायत में कौन कौन लोग शामिल हैं? किसान मजदूर हैं, मतलब कोई पार्टी से सत्ता में या विपक्ष का? पार्टी तो है ही नहीं विपक्ष इस मामले में, कोई पार्टी आपका साथ नहीं दे रही? नहीं हम लेते नहीं है क्योंकि सी का भाई वगैरह एक कूदरा नो दूसरा कूदरी तेरा, सारी ऐसी पार्टी है भाई सब ऐसी है, जब सत्ता में आती है कहती कुछ है वादे कुछ है यहाँ दिखाती कुछ है। तो आपने जैसे कि अभी कुछ दिन पहले तहसील में भी धरना दिया था एक दिन का, वहाँ आपने कहा था कि 1 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है रुड़की शहर में, तो बिल्कुल वही सेम देखने को मिल रहा है, रोड जाम है। ये महापंचायत होनी थी देहरादून में, हम सरकार को ढूंढ रहे, सरकार कहाँ है जी? अभी हमने सुना एक ने कहा कि हम मंगलोर से सरकार को ढूंढते हुए आ रहे हैं, सरकार है कहाँ? हाँ यहाँ नहीं मिलेगी देहरादून जाएंगे, ढूंढनी तो पड़ेगी भाई, नीति गलत काटे ढूंढनी तो पड़ेगी, गरीब मर गया ना, गरीब मर गया, किसान मर गया, देश में रह गया क्या, तो सरकार ढूंढना पड़ेगा हमें। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि अगर चालान बढ़ रहे हैं उनमें रुड़की के लोकल जो चालान काट रहे हैं उनकी क्या गलती है, तो ऊपर से होता है जो भी है? कुछ नहीं ऊपर से कुछ नहीं होता, हम तो कह रहे हैं ऊपर से हो रहा है, ऊपर से कर दो भाई, लेकिन मजदूरी भी 100 गुना बढ़ा दो, फसल भी 100 गुना बढ़ा दो, किसान को एक दर्द होता है उसकी फसल तो बिक्री 5,000 रुपये सिरसों, गरीब जनता को तेल मिला 200 दर्द, अगर किसान की फसल कम बिक्री तो मजदूर को कम मिल जाए उसको भाई, तेल कम मिल जाए, सरसों बिक्री 1600 रुपये धान भी क्या मजदूर को चावल 1600 रुपये के हिसाब से मिल रहा, किसान को दर्द है, किसान और मजदूर एक चक्की के 2 पाठ हैं। आपकी महापंचायत कब तक ऐसे ही जारी रहने वाली? जब तक सरकार नहीं मिलने की, लगातार ऐसे ही आप रोड पर बैठे? जब तक सरकार नहीं मिलने की समस्या का समाधान नहीं होना किसान मजदूर का। आपने सुना भी इनका मुद्दा है कि सरकार जब तक नहीं मिलेगी महापंचायत ऐसे जा रहेगी, तो सरकार कहाँ है ये सवाल सबसे बड़ा आज का यहाँ पर है। दिल्ली एक दिन को गए थे सरकार को ढूंढने भाई, 13 महीने बैठना पड़ गया था, एक दिन गए और 13 महीने 13 महीने बैठना पड़ा था भाई, या फिर भी मिली सरकार? सिर्फ सरी झूठे वादे कर का MSP C2 अब तक नहीं दिया, C+1 कर का वो कर दिया, MSP पर अब तक मोड़ नहीं मारी।
ये है जुमला है सरकार के, 13 महीने बैठना पड़ा था भाई, एक दिन खतर गए थे, कुछ नहीं पता आंदोलन क्या है। सरकार नहीं मिलने की, अधिकारी लोग नहीं सुनने के, गरीब जनता की, किसान की आवाज़, तो आंदोलन है, आंदोलन का देश है भारत। एक ये अपना भाई नियम है, कानून में लिखा हुआ, तो आंदोलन है। इसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ जब भी आंदोलन रहे थे। आंदोलन सबसे बड़ी बात आती है कि किसान जो भारतीय किसान यूनियन है, काफ़ी सारी किसान यूनियन है, एकता ठीक है, और ये सब जब मतलब जो किसान है सबकी एक ही लगभग एक ही तरीके की समस्या है, तो ये सब एक मंच पर आकर क्यों नहीं लड़ाई कर रहे? एक मंच पर आ जाएंगे जब भी, या सरकार या अधिकारी लोग हैं प्रशासन गड़बड़ करेगा, एक ही मंच पर आते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा बन जाता है। तो आपका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरा सभी जो किसान के संगठन है वो एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ेंगे? किसान मजदूर जो घर है, ये तो मुख्य मुख्य लोग आ रहे, इनके बच्चे औरता मजदूर की किसान की वे भी आओगे, और पशु भी यहीं आ जाएंगे भाई, क्योंकि आप फील्ड में जाके देखो, आप देहात में जाके देखियो कितना बुरा हाल है। कुछ घर तो ऐसे होते हैं मजदूर के और किसान के भी, दोनों के कुछ घरों में चूल्हा नहीं जलता एक टाइम भाई, धरातल की बात है। कभी आके देखियो देहात में, कोई कोई टाइम ऐसा जाता है उनके घर चूल्हा नहीं जलता भाई, दर्द होता है भाई, रोनी आती है। कोरोना काल में किसान ने फसल उगाई, देश भूखा ना रह जा, और इन बेईमानों ने किसान को और मजदूर को दोनों को मार दिया। पिछले महीने की 10 तारीख से हमारा धरना चला हुआ है SC कार्यालय पे प्रीपेड मीटर को लेके, और वहीं से हमने एक दिन ज्ञापन का प्रोग्राम बनाया था कि ये जो CPU वाले हैं गरीब आदमी हैं, देहात के आदमी हैं, दवाई दुवी लेने आते हैं अपनी माँ की, कईयों के इन्होंने चलान काट दिए 10-10 हज़ार रुपये के, वो बाइक मांग के लाए, तो हम उसका ज्ञापन देने के लिए इनके कार्यालय पर गए, लेकिन इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमारा धरना आज भी वहाँ पर चल रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम यहाँ पे इनसे ये बातचीत करने के लिए आए, अंदर हमने महापंचायत करनी थी, यहाँ इन्होंने हमें ज़बरदस्ती रोका, हमने रोड पे महापंचायत नहीं करनी थी, हम इनसे बातचीत करने के लिए आए थे तहसील में, लेकिन अब तक आप भी यहीं पर हो, कोई भी सरकार का आदमी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हम जब तक ये सरकार बात नहीं सुनेगी हम तो यही हैं, जब इनका दिल करेगा तब बात सुन लें, मतलब जब तक किसी भी टाइम तक ये बात नहीं सुनी जाएगी तो ये महापंचायत ऐसे ही रोड पर जाएगी? हाँ जी, महापंचायत चलती रहेगी, बातचीत करेंगे तो महापंचायत बंद होगी, नहीं तो महापंचायत तो चलती रहेगी। जो आपने बात की चालान काटने की, तो कुछ लोगों का कहना है कि आप अपनी सेफ्टी लेकर चलिए, जो जो कानून में चीज़ें बताई गई है उनको लेकर चलिए, तो क्यों चालान कटेगा? नहीं, सेफ्टी लेकर जाने को तो कौन मना कर रहा है, किसने मना किया? नहीं, लोगों का कहना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए, हेलमेट लगाकर चलिए, जब डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो क्यों कौन चालान? एमरजेंसी पड़गी, आपका खेत में ट्रैक्टर चल रहा, आपके पिताजी ने फोन करा भाई डीजल खत्म हो गया लेके आ, तो आप कागज ढूंढोगे, हेलमेट ढूंढोगे या तेल लेके जाओगे अपने पिताजी के पास? तो ये उनका भी चालान काट रहे। हम कह रहे स्थिति तो देखो, आदमी की बात सुनो, मजबूरी है ना जी, कोई मतलब ही नहीं बात सुनने का, सवाल ही नहीं पैदा होता, गुंडा कर दिया अपना, कैमरा ले खड़े हो जा, सुनने को राजी नहीं, कुछ ही कहते रहो। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हेलमेट ना पहनो, कागज ना लेके जाओ, नंबर प्लेट ना लगाओ, सारे काम जायज हैं, पर सिचुएशन भी तो देखी जाएगी। नहीं, आपका कहना है कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि इमरजेंसी में हफड़ा दबड़ी में एकदम भागना पड़ जाए, तो कहाँ से हेलमेट? बिल्कुल, कभी कभी क्या किसान के साथ अक्सर ही ऐसा होता है भाई, पिताजी खेत में है, बेटा घर में डंगरों में काम कर रहा, पता नहीं पिताजी को रुड़की आना पड़ जाए या बेटे को आना पड़ जाए, तो पहले वो अगर 5-4 किलोमीटर खेत है घर कागज लेने जाएगा या ट्रैक्टर के लिए डीजल लेने पंपे पे जाएगा, तो ये सिचुएशन इन्हें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ऐसे बावड़े लोग भर्ती कर लिए, सुनने को तो राजी नहीं, ये तो भाई मोदी से भी ऊपर ही समझे अपने आप को, वह भी नहीं सुन रहा, ये उससे भी ऊपर, ये नहीं सुन रहे, बिल्कुल बात तो सुनने को राजी नहीं। तुम कुछ ही कहते रहो, एक धमकाने के लिए खड़ा, एक के पास कैमरा, एक के पास पेन, तीन तीन चल रहे, बस काट के हाथ में दे दिया चलान, और बाइक लारी ले जा बाजी फेरी, तो देखो पैदल चल जा। आपकी क्या मांग है, क्या संशोधन? भाई हम तो कह रहे संशोधन संतोषन, हमें कुछ नहीं चाह रहा, हम तो ये कह रहे जो मजबूरी में जा रहा उसका गरीब को इतना खून ना चूसो, बाजे आदमी पर तो 1,000 रुपये डॉक्टर को दुखाने के लिए नहीं होते, ये 10,000 मांग लें। हम कह रहे कि गरीब आदमी का खून ना चूसो, चलान काटने विधायकों का काट लो, इनके 2-2 लाख रुपये इन्होंने फेर बढ़ाए, काटो थारे में दम है तो उनके काट लो। मैं जो हूँ देहरादून से आया हूँ और टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, टिहरी गढ़वाल में बहुत बड़ी समस्या है,
और हम उसके समय से लेके किसानों को वहाँ की समस्याओं को लिए टिकैत जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, महेंद्र सिंह चौधरी टिकैत जी ने, और अब भी लड़ रहे हैं। ये हमारे देहरादून से आए हैं ब्यास जी, ये हमारे थलवाल जी आए हैं प्रताप सिंह जी, धनपाल सिंह जी टेरी गढ़वाल से, ये गोपेश्वर चमोली से आए हैं धनपाल सिंह पोखरियाल जी, ये सारे लोग हम ग्रुप बना करके पहाड़ों में गढ़वाल मंडल में किसान इनको मजबूत करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी सरकार आ रही ये सब जो लूट खसोट के लिए, हमने ये राज्य बनाए, मैं इस राज्य का निर्माण करने वाला एक छोटा आदना सा आदमी, सन 1966 से लेकर मैंने आंदोलन किया है और अब तक करता रहा हूँ, लेकिन ये सब अफसरों के लिए नेताओं के लिए है। ये सब पैसे दे रहे हैं खा रहे हैं, पहाड़ के लोगों का कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं, किसानों का कोई ध्यान नहीं कर रहे, मजदूरों का कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि लोग जो है बाहर चले गए, पहाड़ खाली हो गए हैं, मुख्यमंत्री को कोई इससे मलाल नहीं है। बा उनको जो मुख्यमंत्री बन गए, जिन्होंने कभी प्रधान नहीं बनना वो मुख्यमंत्री बन गए, तो ये एक फैक्ट्री दे दी, उद्योग दे दिया हमने इन लोगों को, ऐसे लोगों के हाथ पे चला गया राज्य, लोग जो लूट रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं उनको कर रहे हैं, और हम लोगों की ऐसी हालत है। जय उत्तराखंड, जय भारत। क्या समस्या है? समस्याएं तो बहुत है भाई, पर सबसे बड़ी समस्या आ रही जो ये पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे देहरादून में। कल हम अपने प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए थे तो काफ़ी छात्र हमारे पास आए, उनके भी 10-10 हज़ार के चालान काटे जा रहे। मतलब ये रीज़न क्या है जो 10-10 हज़ार के चालान, इतने महंगे चालान काटे जा रहे हैं, क्या कारण है ये? भाई ये अपनी जेब भर रहे, ये किसानों के बच्चे वहाँ देहरादून में पढ़ रहे, ये वहाँ से चालान भरने जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं। अब एक बच्चे का चालान मान लिया 10 हज़ार का कट गया, उसकी तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही भाई। ये किसानों के बच्चों को पढ़ने नहीं देने के, छोटे छोटे बच्चे नुका दीजिए, अगर 10 हज़ार रुपये का हमारा चालान कट गया, घर से तो हम मांग नहीं सकते, और यहाँ टेंशन लेकर बैठ जाएं भाई, जब तक ये रुकने का नहीं ना, जब तक हम चैन से नहीं बैठने के। आज आप देहरादून से आए हो यहाँ रुड़की में महापंचायत? हाँ, देहरादून में इसी वजह से आए हम भाई, बच्चे हमारे बहुत परेशान कर रखे, हम सभी छात्रों को लेकर इनके थाने पर बैठ जाएंगे भाई, हम रोड को जाम करवा देंगे यहीं हरिद्वार में ही। 3 रास्ते जाएँ यहाँ से राजधानी में, हरिद्वार वाला, बिजनौर वाला, और आपका ये छुटमलपुर वाला, हम यही रोक सारे को जाम कर देंगे सर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैंने कहा हम इसका दाना पानी बंद कर देंगे ऊपर वालों का बिल्कुल। तो ये मतलब रीज़न जो है 10 हज़ार के चालान काट रहे हो आप, किस बेस पर चालान काटे जाते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है उनके पास जिसके ऊपर ये 10-10 हज़ार के चालान भरे जा रहे? बच्चे पढ़ने वाले भाई, बार 2 की जगह 3 भी बैठ जाएं, कागज उन पर पूरे हैं, कभी कभी हेलमेट घर भूल गए जल्दीबाजी में, कोई अपने कागज लेने जा, फोटो स्टेट करवानी पड़ो, हर जगह चला हेलमेट लेकर थोड़े जाएगा, गलियों में चालान काट रहे भैया। अगर ये गुंडागर्दी नहीं रुकेगी तो हम आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो भी हमारे साथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, भारतीय किसान यूनियन के, उनसे बात करते हैं। सर, जो आज आपने महापंचायत रखी है, क्या कारण है इसका? जी, महापंचायत तो इसलिए रखी है कि यहाँ पुलिस विभाग ने यहाँ की जनता को लूटने का ठेका ले लिया, 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के चालान काटे जा रहे, और दूसरा ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे। तो हमारा कहना यह है कि जिस हिसाब से हमारी आमदनी भत्ते बढ़ाए विधायकों ने अपने, उसी हिसाब से किसानों के फसलों के रेट बढ़ो और उसी हिसाब से चलान काट ले, हम 100 रुपये से फालतू का चलान नहीं देंगे। तो इनका कहना है कि चलान तो ऊपर से तय होकर आता है। अजी, ऊपर वालों को भी तो देखेंगे, ऊपरले वालों को भी तो देख रहे हैं आज हम जी। हमने बताया शासन प्रशासन, उसमें सब लोग आएंगे। तो भाई, अगर ये इस तरीके की तानाशाही करेंगे, जो भी विभाग करेगा उसके विभाग पर धरना प्रदर्शन कर तालेबंदी करी जाएगी। आर पार की लड़ाई होगी, 10 तारीख तक धरना चल रहा है, लड़ाई आर पार की होगी। महापंचायत कब तक चलने वाली है? तुम्हें पता ना, मुझे पता, बात करेंगे, जो कुछ बात होगी तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई आर पार की होगी।